हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। फर्स्टली पॉलिनोमियल होता क्या है। अब पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आप ध्यान से देखिए, कंसिस्ट ऑफ इसमें कॉन्स्टेंट होते हैं एंड वेरिएबल एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड वेयर द वेरिएबल आर रेज टू पावर ऑफ होल नंबर, यानी कि आपके वेरिएबल कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं जिसकी पावर होती है। इसमें दो होते हैं, दो टाइप के आपके वेरिएबल होते हैं। एक होता है कॉन्स्टेंट, सेकेंड होता है वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, ठीक है। एंड वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। देखिए कॉन्स्टेंट, इट इज अ वैल्यू दैट रिमेंस द सेम, यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए एंड वेरिएबल की वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है। वेरिएबल है, इट इज अ वैल्यू देयर कीप्स चेंजिंग इन अ गिवन सिचुएशन। इसको हम डिनोटेड बाई, ये तो अपनी मर्जी से हम कोई भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ध्यान से समझिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स इन द फॉर्म ए एक्स की पावर एन, वेयर एन इज अ होल नंबर ऑल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर, ए इज अ कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल। नोट दैट सबसे पहली चीज, द वैल्यू ए इज अ कॉल्ड ऑफ कोबिसेट ऑफ एक्स की पावर एन, यानी कि आपका एक्सप्रेशन एक्स ए एक्स की पावर एन है, तो आप उसे उसमें जो एक्स की पावर एन का जो कोबिसेट है वो कितना है, ए। सेकेंड है डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, यानी कि डिग्री कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर कहाँ से होते हैं, 1, 2, 3 से स्टार्ट। तो ए एक्स की पावर एन में ए जो है एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, और ए जो है सॉरी एन जो है वो आपकी डिग्री है। क्या है, डिग्री। आगे देखिए, इस एग्जांपल से आप ध्यान से समझिए, इसके कुछ टाइप के हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 5x, सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल कितना है इसमें, x है। टर्म्स कितने हैं, ओनली 5x है। नंबर ऑफ टर्म्स, ए की टर्म है आपको पता ही है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एक्स का कितना है, 5 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5। डिग्री, एक्स की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। सेकंड बी एग्जांपल है, 2y³ + 9y² - 4। वेरिएबल क्या है आपका, वाई है। टर्म्स कितने हैं, 2y³ है, 9y² है, -4 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ y³ 2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y² 9 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ 1 इज -4 हो गया, या इसको हम कॉन्स्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। डिग्री कितनी है, 2y³, हाईएस्ट पावर 3 है। थर्ड है -10z⁻⁰, या z⁻⁰ 1 होता है। वेरिएबल अकेला z है, टर्म्स अकेला -10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, कोफिशिएंट ऑफ 1 इज -10, या कॉन्स्टेंट टर्म डन, डिग्री इसमें नहीं है, ठीक है। डी x² - x, वेरिएबल x है, टर्म्स आपके x² और -x है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, कोफिशिएंट कितना है, x² का 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1, डिग्री 2 है। अब आप ध्यान से समझिए, मोनोमियल ये आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा 7th-8th में। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, यानी कि ओनली वन टर्म होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल ए और सी दे रखा है, उसमें ओनली कितने टर्म है, 1 टर्म है। बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, यानी कितने टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, उसमें कितने टर्म है, डी वाले में 2 टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, एग्जाम्पल बी में ओनली 3 टर्म्स हैं। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। अब आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री कितनी है, 1 है, किसमें, एग्जाम्पल ए में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होनी चाहिए, तो आपकी डिग्री एग्जाम्पल डी में 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होनी चाहिए, तो आपका एग्जाम्पल बी है, ठीक है। इज ऑल्सो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये आप थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसको और देख लीजिए। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज द फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax + b, यानी कि इसमें डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c, आप कॉपी में नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है वो होती है ax³ + bx² + cx + d, ABCD आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब लीनियर में देखिए, ax + b, डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक में देखिए, डिग्री 2 है। क्यूबिक में देखिए, डिग्री 3 है। तो जनरली पॉलिनोमियल की फॉर्म कितनी क्या हो गई,
ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, अगर डिग्री जीरो है तो आपकी पॉलिनोमियल भी जीरो होगी। वन जीरो पॉलिनोमियल इज द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वेयर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी तो आपकी पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आपको जो ध्यान देने हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर की फॉर्म ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा।